हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में होने वाले अगले आईपीएल मैच के बारे में। तो ये है मैच नंबर 31 आईपीएल 2023 का, 22nd ऑफ अप्रैल, टाइमिंग होगी 7:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से, जहां पर यह मुकाबला खेला जाएगा। MIVS PBKS ड्रीम 11 प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। सो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले कहां पर इस मैच को खेलना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम विजन 11 में अभी चल रही थी, आज मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जानी चाहिए। पूरी टेक्निकल टीम इस पे लगी हुई है। कुछ ओटीपी का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से यूजर्स लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, बट पैनिक मत कीजिए, काम चल रहा है, ठीक है। और आपके लिए 50,000 का गिव अवे तो लगा ही हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक साइन अप नहीं किया विजन 11 एप्लीकेशन पे, फटाफट आज ही साइन अप कर लो, ताकि आप यहां से 50,000 का गिव अवे फ्री में ले जा सको। उसके लिए करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन से लिंक है, वहां से डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को, और जब साइन अप करें तब रेफर कोड में FX लगा दीजिए। जो भी लोग रेफर कोड FX लगाएंगे उनको ₹500 का बोनस उनके अकाउंट में मिलेगा, प्लस ये गिव अवेज वगैरह और भी ढेर सारी चीजें आपको मिलेंगी, डिपॉजिट ऑफर्स वगैरह भी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए विजन 11 एप्लीकेशन को। इसके बाद 1 करोड़ का लीडर बोर्ड तो आपको पता ही है, आईपीएल में चल रहा है। इसको प्राइजेस को जीतने के लिए 1 CR प्लस के प्राइजेस ये आपको दे रहे हैं फ्री में, सिर्फ और सिर्फ अगर आप लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट खेलते हैं, जो मेगा लीग होती है ना सबसे ऊपर हर कॉन्टेस्ट में, बस उसको खेलते जाइए, आपकी एक रैंक बनेगी आईपीएल के लास्ट में, और फिर आपको ये प्राइजेस मिलेंगे। जैसे नंबर 1 पे आपको टाटा की हैरियर मिलेगी, उसके बाद XUV है महिंद्रा की, फिर बाइक्स है, फिर कैश प्राइजेस है, बहुत कुछ है। आपकी कहीं भी रैंक लगी कुछ ना कुछ जरूर जीतेंगे अगर आप प्रॉपर्ली सिंसियरली इस गेम को खेलेंगे। गाइस, ₹500 का बोनस आपको मिल जाएगा, रेफर कोड FX लगा के साइन अप करना है, ये चीज यहां पे लिखी हुई है। एंड्रॉइड iOS दोनों पे ऐप अवेलेबल है। बात करते हैं इस मुकाबले की, तो कहां पे ये मैच खेला जाएगा। अब मुंबई का मैच है, पंजाब से मुंबई के होम ग्राउंड में खेला जाएगा। मुंबई फेवरेट है कि नहीं है ये हम आगे जानेंगे। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच खेला जाएगा। वानखेड़े में अब तक डोमेस्टिक के T20 के जो है 106 मैच हो चुके हैं, 48 बैटिंग फर्स्ट और 58 बैटिंग सेकंड ने जीत रखे हैं। अगर हम बात करें एवरेज स्कोरिंग की, तो 167 के आसपास की एवरेज स्कोरिंग है। हाईएस्ट टोटल 235 RCB का है, लोएस्ट टोटल 67 KKR का है। स्कोरिंग पैटर्न पे अगर हम नजर डालें तो 26 टाइम्स 150 के नीचे स्कोरिंग हुई है, 26 टाइम ही 150 से 169 बना है, 34 टाइम्स 170 से 189 बना है, और 20 बार 190 के ऊपर बना है। सबसे ज्यादा बार क्या बना है, 170 से 189, 34 टाइम्स बना है, तो इसके होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लास्ट मैचेस में क्या हुआ वो देख लेते हैं, हालांकि बहुत कुछ पिच रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। टॉस के बाद जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसी में पता चलता है आपको कि आज कितने क्या रन बन सकते हैं। आखिरी मुकाबला यहां पे 16 अप्रैल को खेला गया था, जिसमें कोलकाता ने 185 बनाए थे, मुंबई ने 186 बना के चेस कर लिया था। इस मैच में फास्ट बॉलर्स को टोटल 5 विकेटें मिली थी, वही स्पिनर्स इस मैच में टोटल 6 विकेटें लेके गए थे। इसके पहले भी एक मैच हुआ था यहां पे 8 अप्रैल को, जिसमें MI ने 157 बनाया था, वो भी चेस हो गया था मैच, CSK ने 7 विकेट से मैच को जीता था चेस करके। दोनों मैच यहां पे चेस हुए, ये चीज आप देख रहे हैं। स्कोरिंग लास्ट मैच में काफी अच्छी थी, उसके पहले वाले मैच में थोड़ी सी कम थी। यहां पे देखिए फास्ट बॉलर्स को 4 विकेटें मिली टोटल, और यहां पे स्पिनर्स को मिली कितनी, 7 विकेटें। दोनों ही मैचेस में स्पिनर्स ने थोड़ा सा बेटर किया है वानखेड़े में। अब एक और मैच है, ये 2022 का है, 2022 के जो मैचेस हैं वो देखो ज्यादा काम के तो नहीं रहेंगे, एक साल पुराने मैचेस है, बट फिर भी देख लो उनमें क्या हुआ था। बैटिंग एवरेज हुई थी वही 160-165 के अराउंड एवरेज यहां पे बैटिंग हो रही है, तो हम देख ही रहे। पेसर्स और फास्ट बॉलर्स में पेसर्स ने यहाँ पे अच्छा किया, फिर नीचे आप जाएं तो यहाँ भी पेसर्स ने अच्छा किया। तो पिछले साल तक ये वेन्यू पेसर्स को बहुत ज्यादा मदद कर रहा था, इस साल उतना मदद पेसर्स को नहीं मिला है, स्पिनर्स को थोड़ी सी ज्यादा मदद मिली है, ये हमने पिछले 2 मैचेस में देखा। प्लस बैटिंग वही एवरेज हो रही है, मोस्टली 160-165 के अराउंड स्कोरिंग होती है, कभी कभार हाई स्कोर होता है जैसे पिछले मैच में हुआ। बट मैं आपको कंडीशंस बता दूंगा पिच की, वो टॉस के टाइम पे हमें पता चलेगा कि आज के मैच में कितना एक्सपेक्टेशन रहेगा स्कोर का और किस टाइप के बॉलर्स को ज्यादा मदद होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम से जुड़ जाना है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आपको इजीली अपडेट्स दे पाता हूं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है जिसमें हम अपडेट्स वगैरह देते हैं, अगर आप उससे नहीं जुड़े तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, और आप इस गेम को शायद नहीं जीत पाएंगे अगर आपको पिच रिपोर्ट टाइमली नहीं मिले। कैसे मिलेगी, कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट जहां पे आप कमेंट करते हैं ना वहां पे जाइए, सबसे ऊपर आपको मेरा कमेंट मिलेगा, उसमें एक लिंक है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे चैनल से आप जुड़ पाएंगे, फटाफट जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट के 4 मैचेस में यहां पे क्या हुआ है, फास्ट बॉलर्स को 26 विकेटें मिली, स्पिनर्स को 20 विकेटें मिली हैं। फास्ट बॉलर्स को ज्यादा विकेटें पहले बॉलिंग करते हुए मिली हैं, फर्स्ट बॉलिंग करते हुए 16 विकेटें हैं और सेकंड बॉलिंग करते हुए 10 विकेटें हैं। वैसे स्पिनर्स को भी फर्स्ट बॉलिंग करते ज्यादा विकेटें मिली हैं। फिर आप देखिए हेड टू हेड ओवरऑल क्या है,
दोनों टीमों ने आपस में 29 मैच खेले हैं, जिसमें से आप देखिए एमआई ने 15 जीते और पंजाब ने 14 मुकाबले जीते। तो यहां पे अगर आप देखें तो टक्कर है दोनों टीमों में। अगर आप आखिरी के 5 मैच देखें तो मुंबई ने 2 जीते हैं और पंजाब ने 3 जीते हैं। यहां पे पंजाब थोड़ा सा आगे लग रही है, बट इस बार पंजाब उतना अच्छा कर नहीं पाई है। देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। अच्छा, इस वेन्यू पे वानखेड़े में कितने मैचेस हुए, मतलब जो एमआई और पंजाब ने खेले, मुंबई और पंजाब ने जो मैचेस खेले उसमें आप देखिए 9 मुकाबले टोटल इन दोनों टीमों के बीच में हुए, मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स के बीच में। एमआई ने जीते 5 मुकाबले और पीबीकेएस ने जीते 4 मुकाबले। ठीक है, तो अगर हम प्रीव्यू देखें यहां पे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पंजाब बुरा नहीं कर रही है, वानखेड़े में आके भी अच्छा कर रही है। पंजाब ने वानखेड़े में टोटल 18 मुकाबले खेले जिसमें से 8 जीते हैं, 10 हारे हैं। ठीक है, ये नो रिजल्ट पे 0 होगा, ये 3 लिखा हुआ है, इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, एमआई का रिकॉर्ड देखिए, आउट ऑफ 72 मैचेस जो इन्होंने यहाँ पे खेले उसमें से 45 जीते हैं, 27 हारे हैं। तो 50% से ज्यादा इनकी विनिंग इस वेन्यू पे रहती है, तो ये एक इनका रहेगा, मतलब इनके पक्ष में एक चीज रहेगी कि अपने घर में खेल रहे हैं, इनका रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा है मुंबई इंडियंस का। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। तो अगर आप टीम वगैरह देखें तो पिछले साल कैसा खेले पहले वो देखते हैं, फिर हम बताते हैं आपको मतलब कौन सी टीम जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, स्टैट के बेस पे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि लास्ट के मैचेस में इन लोगों ने क्या किया है। लास्ट मैच इन दोनों टीमों के बीच में 2022 में हुआ था, जिसमें मुंबई इंडियंस की तरफ से आप देखिए डिवाल्ड ब्रेविस ने 49 का स्कोर किया था, सूर्य कुमार यादव ने 43 का स्कोर किया था, जसप्रीत ने एक विकेट निकाला था उस मैच में, शिखर ने 70 बनाए थे, मयंक अग्रवाल 52, रबाडा ने 2 विकेट ली थी। एक और मैच इनके बीच में है 2021 का, एमआई पंजाब आपस में भिड़ी मुंबई पंजाब, सौरभ तिवारी 45, जसप्रीत बुमराह 2 विकेट, हरप्रीत बराज 14 नॉट आउट, नेथन अलिस 1 विकेट। एक और मैच है रोहित शर्मा 63, सूर्य कुमार यादव 33, मयंक अग्रवाल 25, अर्शदीप सिंह 1 विकेट। एक और मैच पोलार्ड 34 नॉट आउट, बुमराह 3 विकेट, मयंक 11 रन, अर्शदीप 2 विकेट। ये कुछ मैचेस इनके बीच के जो खेले गए और उनमें क्या कुछ परफॉर्मेंस रही आपके सामने। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, बट मैं अभी आपको आगे बताऊंगा आपको टीम में कौन कौन से प्लेयर को रखना है। अभी आप बात करते हैं मतलब कौन सी टीम फेवरेट है, तो देखो सीधी सी बात है पंजाब का वो परफॉर्मेंस अभी तक निकल के नहीं आया, कुछ बड़े प्लेयर इंजर्ड भी हैं, कुछ प्लेयर अच्छा नहीं खेल पा रहे, तो पंजाब कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक लग रही है। मुंबई अपने घर में खेल रही है और सारे मैचेस आप देखिए अब अच्छे खेल रही है, इनके सारे प्लेयर सब परफॉर्म करने लगे हैं, बॉलर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलराउंडर्स भी कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर के बैटर्स भी कर रहे हैं, रोहित का फॉर्म भी थोड़ा सा वापस आया है, तो कहीं ना कहीं ये टीम मजबूत लग रही है मुझे मुंबई। तो 60% चांस लगभग जो है वो मुंबई के हैं, 60-65% चांस, और जो बचे कुछ 35-40% चांस है वो पंजाब के हैं। तो फेवरेट टीम कौन सी लग रही है, मुंबई लग रही है मेरे हिसाब से, मुंबई को इस मैच को जीतना चाहिए अगर कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो देखो इनकी प्लेइंग 11 भी काफी कमजोर लग रही है, कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हरप्रीत सिंह हो गए इंटरनेशनल लेवल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अथर्व टैडे हो गए इंटरनेशनल लीग्स वगैरह नहीं खेल रखे हैं, डोमेस्टिक के काफी मुकाबले खेल रखे, बट जो इंटरनेशनल लीग होती है जैसे कि आपको पता है आईपीएल है सबसे बड़ी लीग है वर्ल्ड की, तो इन लीग्स में खेलने का एक्सपीरियंस इनको इस साल मिलेगा, फिर शायद नेक्स्ट ईयर ये कुछ अच्छा कर पाए। अभी तो फिलहाल आप इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, अथर्व और हरप्रीत ये थोड़ा सा वीक लाइनअप यहाँ पे बना रहे टीम का, प्रभ सिमरन फिर भी अच्छा खेल रहे, पिछले मैच में एज इंपैक्ट प्लेयर खेले और अच्छा खेला इन्होंने, विकेट कीपर बेटर है। इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट है, लिविंगस्टन पिछले मैच में वापस आए, कुछ खास तो नहीं कर पाए, बट लिविंगस्टन वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर माने जाते हैं वर्ल्ड टी20 क्रिकेट के, और द 100 वगैरह टूर्नामेंट अगर आपने देखी होगी तो उसमें तो आपको पता है हर मैच में रन विकेट ले रहे थे, तो इनको अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा, टीम में तो लेना ही है, इवन ग्रैंड लीग वाले कैप्टन करते रहना इनको, पता नहीं किस दिन अच्छा कर जाए। सैम कुरन इस टीम के पास है जो 4 ओवर पूरे करेंगे, डेथ ओवर के बॉलर है, प्लस रन्स भी बनाने की क्षमता रखते हैं, हालांकि इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, बहुत एवरेज खेले अभी तक इस साल सैम कुरन, बट अपॉर्चुनिटी है इनके पास। जितेश शर्मा अच्छा खेले पिछले मैच में, अच्छे प्लेयर है, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर भी बैटिंग करने आते हैं, शाहरुख खान कुछ खास नहीं कर पा रहे, नेथन अलिस एवरेज, अर्शदीप काफी अच्छे पिक होंगे, हरप्रीत बराह थोड़े से एवरेज पिक होंगे। ठीक है, तो ये टीम है थोड़ी सी एवरेज लग रही है ऑन पेपर। अब देखो इनके पास लेफ्टी बैट्समैन कौन कौन है, एक अथर्व इनके पास लेफ्टी बैट्समैन है, एक हरप्रीत सिंह है और एक सैम कुरन है, तो ठीक ठाक लेफ्टी बैट्समैन है, बहुत ज्यादा नहीं है बट ठीक ठाक है। अगर आप टॉप 6 में देखें तो 3 इनके पास लेफ्टी बैट्समैन है, हालांकि टॉप ऑर्डर में मोस्टली राइट ही बैट्समैन है। इनके पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में हरप्रीत बरार है, लेफ्ट आर्म पेसर इनके पास अर्शदीप है, राइट आर्म पेसर नेथन अलिस है और सैम कुरन के पास लेफ्ट आर्म पेसर। ठीक है, डेथ ओवर्स में आपको कौन से बॉलर देखेंगे, आई थिंक सैम कुरन को डेथ में बॉलिंग करना चाहिए और अर्शदीप को, ये दो प्लेयर तो लगभग कंफर्म है डेथ ओवर्स में, बट पिछले मैच में आपने देखा कि नेथन अलिस का भी डेथ ओवर्स में यूज हुआ था, तो 3 का पेयर चल रहा था, अगर 17वां नेथन अलिस कर रहे हैं, 18वां अगर अर्शदीप कर रहे हैं तो 19वां सैम करेंगे। सैम ने पिछले मैच में 20वां ओवर डाला था, उसके पहले आई थिंक अर्शदीप थे 19वें ओवर में और 18वें ओवर में नेथन अलिस थे, तो इस टाइप से पेयर चलेगा, 3 का वो ट्रायल चलेगा। ठीक है, ये 4-4 ओवर पूरे करेंगे, जैसे अर्शदीप सिंह हो गए, नेथन अलिस हो गए, सैम कुरन हो गए, ये पूरे 4-4 ओवर करने वाले, बाकी के जो बचेंगे 12 ओवर वो किन में डिवाइड होंगे, एक तो यहाँ पे हरप्रीत बरार हो गए और ये
राहुल चेयर को भी लाते हैं, ठीक है, तो एक राहुल चेयर हो गए, ठीक है, वो करेंगे, हरप्रीत बरार करेंगे, और बाकी लिविंगस्टन वगैरह, मैथ्यू शॉट, ये सब बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा में। देखो राहुल चेयर हो गए, प्रभ सिमरन हो गए, ये लोग आपको इंपैक्ट प्लेयर में दिखेंगे। फर्स्ट बैटिंग होगी तो प्रभ सिमरन आपको प्लेइंग 11 में दिख जाएंगे, बाद में फिर बॉलिंग करने राहुल चेयर आ जाएंगे, अगर वो सब्स्टिट्यूट में होंगे, होते हैं, ठीक है। और अगर फर्स्ट बॉलिंग होगी तो टीम राहुल चेयर को रख लेगी, बाद में प्रभ सिमरन को ले आती है। तो ये करते रहते हैं, कभी कभी इंपैक्ट प्लेयर चेंज भी करते हैं, बट मोस्टली टीमें इंपैक्ट प्लेयर अब सेम ही रख रही हैं अपने, ठीक है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो अतर्व की परफॉर्मेंस इस आईपीएल में कुछ खास नहीं है, दो मैच खेले दोनों खराब हैं, उसके पहले परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक ठाक दिख रही थी, पहली बार मुंबई को खेलेंगे, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, अनएक्सपीरियंस प्लेयर है। प्रभ सिमरन पिछले 46 का स्कोर किया, शुरुआत के दो मैच भी अच्छे खेले थे, बीच में तीन मैच खराब गए थे। ओवरऑल ग्रैंड लीग के लिए अच्छा पिक होगा, बट स्मॉल लीग के लिए अच्छा नहीं होगा, पहली बार एमआई को फेस करेगा, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर आते हैं मैथ्यू शॉट, राइटी बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, ये बॉलर है, रिसेंटली परफॉर्मेंस अगर आप इनका देखेंगे तो बहुत अच्छा तो नहीं आ रहा है, परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैग कर रहा है, बट हैं प्लेयर बहुत अच्छे, बॉलिंग वगैरह नहीं कर रहे, बट बैटिंग कभी कभी बहुत शानदार करते हैं। अगर बैटिंग वेन्यू होगा तो मैथ्यू शॉट आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बट अगर बैटिंग वेन्यू नहीं है तब आप इनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जनरली एक बैलेंस पिच ही होती है वानखेड़े की, मैंने जितने स्कोर्स देखे रिसेंटली 160-165 यही बनता है यहाँ पे। पहली बार एमआई को खेलेंगे, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। लिविंगस्टन पिछले मैच में आए, एक ओवर भी फेंका था इन्होंने, बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, बट अगर आप उसके पहले इनके रिकॉर्ड देखें तो काफी अच्छा ये करते हैं, अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड खास नहीं है, वेन्यू पे रिकॉर्ड देखेंगे तो बैटिंग में अच्छा किया है। मेरे हिसाब से इस मैच में लिविंगस्टन को चलना चाहिए, और आने वाले अपकमिंग मैचेस में आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए एक बहुत अच्छे कैप्टन है लिविंगस्टन। फिर आते हैं हरप्रीत सिंह, परफॉर्मेंस आप देखिए इनके, वैसे तो डोमेस्टिक लेवल पे अच्छे चल रहे थे, पिछले कुछ मैच भी ठीक ही ठाक गए, अतर्व से तो अच्छे ही खेले हरप्रीत, फील्डर भी अच्छे हैं, ग्रैंड लीग्स में ट्राई फिर भी कर सकते हो, स्मॉल लीग में तो रिस्की रहेंगे, पहली बार एमआई को खेलेंगे, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर आते हैं सैम कुर्रन, जितेश वर्मा, दोनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, जितेश ने थोड़ा बहुत बैटिंग में अच्छा किया हुआ है, सैम तो बैटिंग में बहुत एवरेज कर रहे हैं, बॉलिंग में भी थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस ही चल रहा है, बट फिर भी क्योंकि चार ओवर डालते हैं, डेथ ओवर में आते हैं, प्लस बैटिंग बैकअप देते हैं, और क्योंकि टॉप ऑर्डर बहुत मजबूत भी नहीं है पंजाब का, तो बैटिंग भी इनकी जल्दी आएगी, तो कप्तानी वाइस कप्तानी के ठीक ठाक पिक होंगे, कप्तानी तो नहीं बट वाइस कप्तानी तो दी जा सकती है। अपोजिशन टीम एमआई के सामने रिकॉर्ड इनके बहुत अच्छे हैं, इस वेन्यू पे भी रिकॉर्ड इनके बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो सैम कुर्रन आपके लिए इस वेन्यू पे बहुत अच्छे ट्रम्प कार्ड पिक होंगे अगेंस्ट एमआई। जितेश शर्मा परफॉर्मेंस अगर आप देखिए तो बहुत अच्छा तो नहीं है, ग्रैंड लीग वाले इनको जरूर ट्राई करते रहिए, लास्ट टाइम मुंबई इंडियंस के सामने 30 का स्कोर किया था, इस वेन्यू पे 19 और 38 के दो स्कोर्स है। फिर शाहरुख खान आते हैं, परफॉर्मेंस बहुत एवरेज है, छोड़ सकते हैं सीधा सीधा, 15 रन बनाए थे लास्ट टाइम एमआई के सामने, और इस वेन्यू पे लास्ट टाइम 19-0-15 का स्कोर है, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा टीम से। नेथन एलिस लगभग 4 ओवर कंफर्म कर सकते हैं, परफॉर्मेंस आप इनकी देख लीजिए, टीम इनको भी डेथ ओवर्स में इस्तेमाल करती है, सैम कुर्रन हो गए, अर्शदीप हो गए, नेथन एलिस हो गए, तो आप इनको ले सकते हैं टीम में, विकेट टेकर बॉलर हैं, कभी कभी काफी पिट जाते हैं बट विकेट वगैरह निकाल के देते हैं। मुंबई का लास्ट टाइम एक विकेट लिया था इन्होंने, और इस वेन्यू पे 3 विकेट लेके गए थे जब लास्ट टाइम खेले थे, तो वानखेड़े इनको काफी सूट करता है, 3 विकेट लेके गए थे, इस मैच में भी एक्सपेक्टेशन है कि नेथन एलिस विकेट ले सकते हैं। हरप्रीत बरार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, परफॉर्मेंस आप इनकी देख लीजिए, ओवर्स कभी भी डिडक्ट हो जाते हैं हरप्रीत के, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मैं इनसे करूंगा नहीं, 0 विकेट है अपोजिशन टीम के सामने लास्ट टाइम जब खेले थे, इस वेन्यू पर लास्ट टाइम 3 विकेट हरप्रीत लेके गए थे, ठीक है। राइटी लाइनअप के सामने एक बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं हरप्रीत बरार। अर्शदीप सिंह की बात करें, लेफ्ट आर्म पेसर है और डेथ बॉलर ही है एक तरीके से मेन टीम के, सैम कुर्रन और अर्शदीप, तो इनको विकेट मिलना लगभग तय है फर्स्ट बॉलिंग के केस में, 4 ओवर पूरे भी डालेंगे, परफॉर्मेंस एवरेज चल रही है, अपोजिशन टीम एमआई के सामने रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, वेन्यू पर रिकॉर्ड एवरेज है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स है इस टीम के पास, वो आप देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कैसा खेले हैं रिसेंटली, एमआई के सामने अगर कोई रिकॉर्ड है तो कैसा है, और इस वेन्यू पे अगर पहले खेले हैं तो कैसा खेले हैं। आप देख सकते हैं राजपक्षा जो है इस वेन्यू पे काफी अच्छा खेलते हैं वानखेड़े पे। कुछ और प्लेयर्स भी हैं आपके पास, शिखर धवन है, यहाँ पे देख लीजिए अगेंस्ट एमआई का परफॉर्मेंस है, वेन्यू पे क्या रिकॉर्ड है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, रिकॉर्ड आप देखिए कगिसो अबाडे का काफी अच्छा है, रिसेंटली भी अपोजिशन टीम के सामने भी और वेन्यू पे भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, अगर टीम खिलाना चाहे तो एक अच्छे ऑप्शन होंगे। अब ओवरऑल हेड टू हेड देख लेते हैं, शिखर धवन ने मुंबई इंडियंस के सामने टोटल 27 मुकाबले खेले, 871 रन बनाए, 39 की बैटिंग एवरेज है। राजपक्षा ने मुंबई के सामने कोई मैच नहीं खेला, जितेश ने एक मैच खेल के 30 रन बनाए, लिविंगस्टन ने दो मैच खेल के मात्र 3 रन बनाए, शाहरुख खान ने एक मैच खेल के 15 रन बनाए, ये इनके हेड टू हेड है। कगिसो अबाडे ने 11 मैच खेले मुंबई के सामने, 12 विकेट है, 28 की बॉलिंग एवरेज है, राहुल चेर का एक मैच में 0 विकेट है, अर्शदीप के 4 में 3 विकेट है, ऋषि धवन के 3 में 3 विकेट, और सैम कुर्रन के 3 में 78 रन और 5 विकेट है। आप देखिए परफॉर्मेंस सैम कुर्रन का फिर भी थोड़ा सा बेटर है अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, बैटिंग बॉलिंग दोनों से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस प्लेयर को आप कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हैं, सैम कुर्रन को आज के मैच में मुझे लग रहा है कि चलेगा। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, तो इनकी प्लेइंग 11 में आपको रोहित शर्मा देखने मिलेंगे ईशान किशन के साथ, ईशान किशन का फॉर्म रिसेंटली बहुत अच्छा है, वेन्यू पे भी बहुत अच्छा करते हैं, बट इनका हेड टू हेड थोड़ा सा खराब है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, हेड टू हेड यानी कि पंजाब के सामने पता नहीं क्या हो जाता है, खेल नहीं पाते हैं।
कैमरॉन ग्रीन आपको नंबर तीन पे दिख गया पिछले मैच में, कोई भरोसा नहीं कहाँ पे खेलेंगे क्या खेलेंगे, क्योंकि नंबर तीन पोजीशन जो है वो सूर्या की होती है, चार लगभग तिलक की होती है, तो वैसे पांच पे आना चाहिए इनको, बट कभी कभी टीम ऐसे ऊपर भेज देती है, पिछले मैच में अच्छा किया तो शायद फिर से भेजे। कैमरॉन ग्रीन लगभग तीन से चार ओवर कन्फर्म करेंगे, डेथ ओवर में भी टीम इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर लेती है और बैटिंग तो ठीक ठाक कर ही लेते हैं। सूर्य कुमार यादव को लीजिए, तिलक वर्मा, टिम डेविड काफी डाउन बैटिंग करने आ रहे हैं तो इनको लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, हालांकि स्टैटिंग बहुत अच्छी है, नेहाल बदेरा तक बैटिंग आ नहीं पाती है। फिर इनके बात करते हैं बोलर्स की, जिसमें इनके पास मेन बोलर में रहेंगे जेसन ब्रैंडरॉफ, लगभग चार ओवर पूरे डालेंगे, पीयूष चावला चार ओवर पूरे डालने चाहिए, अर्जुन तीन से चार ओवर डालेंगे, फिर यहाँ से आ जाएंगे कैमरून ग्रीन, ये भी तीन से चार ओवर डालेंगे, बचे के जो ओवर रहेंगे वो ऋतिक शौकीन डालेंगे। इसके अलावा ये किसी इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पिछले मैच में इन्होंने रायले मेडिथ का इस्तेमाल किया था और फिर उन्होंने पूरे चार ओवर बॉलिंग कराई थी रायले मेडिथ ने, ठीक है, तो ये चीज होती है। रायले मेडिथ एक बहुत ही शार्प बॉलर है, अगर सब्स्टिट्यूट में दिखता है तो रिस्क लिया जा सकता है उसको लेने का, अगर प्लेइंग 11 में रहे तब तो ले ही लेना रायले मेडिथ को, बट अगर सब्स्टिट्यूट में तब समझ लेना, क्योंकि कभी कभी होता है टीम रख लेती है पर यूज नहीं करती है, तो फिर उसमें आपका लॉस हो सकता है। फर्स्ट बॉलिंग का केस होगा तो जरूर टीम रायले मेडिथ को टीम में रखेगी, और अगर सेकंड बॉलिंग होगी तो सब्स्टिट्यूट में रखेगी, ठीक है। तो ये प्लेइंग 11 हो गई मुंबई इंडियंस की, परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। डेथ ओवर की बात करें तो पिछले मैच में डेथ ओवर अर्जुन से करवाया था, यानी लास्ट 20वां जो ओवर था वो अर्जुन ने डाला था, उसके पहले जेसन ब्रैंडरॉफ और कैमरॉन ग्रीन, ये डेथ ओवर्स के बॉलर हैं, तो टीम अगर प्रॉपर डेथ में अर्जुन को यूज कर रही तो उसके पहले आपको ब्रैंडरॉफ दिखेंगे, कैमरॉन दिखेंगे और इवन रायले मेडिथ भी दिखेंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से अगर डेथ बॉलिंग हो तो रायले मेडिथ तो जेसन ब्रैंडरॉफ से करानी चाहिए, बट टीम ने अर्जुन को लास्ट ओवर दिया, उनको विकेट भी एक मिल गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीसेंट फॉर्म की, तो रीसेंट फॉर्म में आप देखिए रोहित शर्मा का फॉर्म कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा फॉर्म नहीं है रोहित शर्मा का, मोस्ट ऑफ द मैच में 20 के आसपास का स्कोर है, मोस्ट कॉमन स्कोर देखो 20 के आसपास ही दिखेगा। अगेंस्ट पंजाब किंग्स देखें तो आखिरी तीन मैच में एक बार 63 बनाया, इस वेन्यू पर रिकॉर्ड देखें तो आखिरी 5-6 मैच में सिर्फ एक बार 48 बनाया, बाकी टाइम स्कोरिंग 20 के आसपास रही है, तो परफॉर्मेंस एवरेज है रोहित का। ईशान किशन लेफ्टी बैट्समैन है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, पिछले 3-4 मैचेस से आप देखो इस बंदे ने 31 से कम तो बनाया नहीं है, मिनिमम 31 और मैक्सिमम 58 बनाया हुआ है इस बंदे ने, 31 से 58 बनाया पिछले 4 मैचेस में। हाँ, बस एक चीज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है कि पंजाब के सामने इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है, आखिरी 3 के 3 मैच खराब है, इस वेन्यू पे ये बहुत ही अच्छा खेलते हैं तो आप इनको कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हैं, पिछले 3-4 मैचेस आप इनके इस वेन्यू पे देख लीजिए, बहुत शानदार रहे। फिर आते हैं कैमरॉन ग्रीन, रिसेंटली अगर आप कैमरॉन ग्रीन की परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तो नहीं है कैमरॉन ग्रीन की, इवन आप देखिए बॉलिंग में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, पिछले मैच में जरूर अच्छा खेल गए बट हमेशा अच्छा खेलेंगे नहीं खेलेंगे उसकी गारंटी नहीं ले सकते। कैमरॉन ग्रीन प्लेयर तो बहुत अच्छे है, बैटिंग पोजीशन बहुत अच्छा मिल रहा है, 3-4 ओवर टीम बॉलिंग करवा रही है, पिछले मैच में फॉर्म में भी आ गए, थोड़ा सा रिस्क जरूर रहेगा इनको लेने में, ठीक है, हो सकता है पिछले मैच में अच्छा कर गए इस मैच में फिर से वैसी परफॉर्म कर दे जैसे आईपीएल के 3-4 मैच से कर रहे थे, तो रिस्क है इनको ट्राई करने में एज अ कैप्टन, बट मोस्ट कॉमन ऑप्शन अगर फ्लॉप भी होते हो ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, सबके कैप्टन रहने वाले। पहली बार पंजाब किंग्स को फेस करेंगे, वेन्यू पर रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा नहीं है कैमरॉन का। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव, राइटी बैट्समैन है, रिसेंटली परफॉर्मेंस अगर आप इनका देखेंगे तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा फॉर्म नहीं दिख रहा, एक मैच में अच्छा खेले बट 3-4 मैच आसपास के खराब रहे इनके, सूर्या के अपोजिशन टीम को अच्छा खेलते हैं, वेन्यू पर रिकॉर्ड इनका अच्छा है, आखिरी 5 में से आप देखिए 2 मैच में 40 प्लस का स्कोर कर रखा है, एक में 23 बनाया था। तिलक वर्मा कभी भी नंबर 3-4 पे भी खेल सकते हैं, परफॉर्मेंस बहुत ही गजब की है, पिछले 3-4 मैच इनके भी बहुत अच्छे गए हैं और अपोजिशन टीम के सामने लास्ट टाइम 36 था और इस वेन्यू पे भी मोस्टली स्कोरिंग इनकी 20 अबव रहती है, सो ये है तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ओवरऑल इस टीम में काफी अच्छे प्लेयर्स लग रहे हैं और आपको सबको लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सारे मैच विनर्स हैं, रोहित शर्मा, ईशान किशन, कैमरॉन ग्रीन, सूर्या, तिलक, पांचों ले लो क्योंकि पांचों ने परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई इस साल, ठीक है। टिम डेविड थोड़ा सा डाउन बैटिंग करने आते प्लेयर तो ये भी बहुत अच्छे, इवन आप देखो पंजाब किंग्स को फेस नहीं करा बट इस वेन्यू पर रिकॉर्ड इनके बहुत शानदार है बट बैटिंग ऑर्डर काफी डाउन है तो इनको हम छोड़ सकते हैं, निहाल बदेरा को छोड़ सकते हैं, अर्जुन को भी छोड़ दीजिएगा क्योंकि अर्जुन के आप देखें तो ओवर्स डिडक्ट होते हैं 2 से 3 ओवर मिलते हैं, मोस्टली ये वेरिएशन करने वाला बॉलर है, मतलब शुरुआत में इसको मतलब मूवमेंट मिलता है तो पावर प्लेस में आप अर्जुन को देखेंगे, उसके बाद मुश्किल है शायद एक आध ओवर मिले, तो पावर प्लेस में तो टीम इस्तेमाल अर्जुन का कर लेती है बट उसके बाद कैसा इस्तेमाल करेगी वो थोड़ा सा रहेगा क्वेश्चनेबल रहेगा। परफॉर्मेंस रिसेंटली बहुत अच्छे नहीं है, पहली बार पंजाब को खेलेंगे, वेन्यू पे लास्ट टाइम 0 विकेट थे। पीयूष चावला मैच विनर प्लेयर है, अगर मुंबई ने फर्स्ट बैटिंग करके बड़ा स्कोर बना दिया तो फिर पंजाब किंग्स के बहुत विकेट लेगा पीयूष चावला, परफॉर्मेंस रिसेंटली बहुत अच्छा है,
इवन अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड एवरेज है, वेन्यू पे रिकॉर्ड एवरेज है, बट क्योंकि फॉर्म अच्छा है और चार ओवर पूरे कर रहा है, जिम्मेदारी से आपको उसको लेना चाहिए। ऋतिक शौकीन राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स तो हैं बट थोड़ा सा डाउन है, तो अगर जल्दी विकेट गिर जाते हैं तब ऋतिक शौकीन की अच्छी खासी बॉलिंग रहेगी आएगी, बट अगर लास्ट में विकेट गिरेंगे टीम के तो फिर ऋतिक शौकीन की कुछ ओवर्स कट सकते हैं। परफॉर्मेंस रिसेंटली आप इनका देख लीजिएगा, पहली बार पंजाब को फेस करेंगे, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर आते हैं जेसन बेरेंडॉफ, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार चल रहा है, पावर प्ले में भी आएंगे, डेथ ओवर में भी आएंगे। अपोजिशन टीम के सामने लास्ट टाइम एक विकेट लिया था, वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत एवरेज है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स है टीम के पास, जोफ्रा आर्चर वगैरह, इनके स्टैट देख लो आप, रिसेंटली कैसा करा है, पंजाब किंग्स के सामने कैसा खेले, वेन्यू पे कैसा खेले। आर्चर के वेन्यू रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं और इवन अपोजिशन टीम पंजाब के सामने बहुत अच्छा खेल रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रायले मेडिथ पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट आए, चार ओवर पूरे करे और दो विकेट लेके गए, परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी है, खेलेंगे तो आप जरूर इनको टीम में लीजिएगा। सब्स्टिट्यूट में रहे तब थोड़ा सा डर रहता है कि खिलाएगी टीम नहीं खिलाएगी, बट खिला लेगी, अच्छा प्लेयर है, ठीक है। वेन्यू पे रिकॉर्ड भी इसका देखेंगे तो ठीक ठाक है, और कार्तिक केन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वेन्यू पे, ये देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब इनका हेड टू हेड बताता हूँ। ओवरऑल मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा ने पंजाब के सामने 27 मैचेस खेले, 759 इनके रन है, 34 की बैटिंग एवरेज है। फिर आते हैं ईशान किशन, 10 मुकाबले खेले पंजाब किंग्स के सामने, इनका रिकॉर्ड खराब है, 163 रन से सिर्फ, और कितने का एवरेज है, 16 की एवरेज है। तो ईशान किशन का एवरेज अगेंस्ट पंजाब अच्छा नहीं होता। सूर्य कुमार यादव 18 मैच में 304 रन है, इनका 27 का एवरेज है। टिम डेविड ने कोई मैच खेला नहीं पंजाब के सामने, तिलक वर्मा ने एक मैच खेला, 36 रन बनाए थे और 0 विकेट निकाले थे। डिवाइल ब्रेविस ने कोई मैच नहीं खेला, आर्चर ने 6 मैच खेले पंजाब के सामने, 7 विकेट निकाले, पीयूष चावला ने 14 मैच 15 विकेट निकाले, आर सिंह ने कोई मैच नहीं खेला, बेरेंडॉफ ने 1 मैच खेला था पंजाब के सामने, 1 विकेट निकाला था। अब बात करते हैं कुछ बैटल्स की, बैटल्स में आप देख लो, कगिस रबाडा अगर खेलते तो रोहित शर्मा को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा के अगेंस्ट आप देखिए 25 गेंदें कराई रबाडा ने, 37 रन खर्चे, और रोहित शर्मा की रबाडा ने 2 बार विकेट ली हुई है। फिर आप देखिए एक बार अर्शदीप ने भी रोहित शर्मा की विकेट ली हुई है, ठीक है। फिर आप ईशान किशन का देखिए, ईशान किशन रबाडा के सामने अच्छा खेले हैं बट एक बार अपनी विकेट गवाई है, और हर्षदीप ने एक बार विकेट ईशान किशन की ली हुई है। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि अगर रबाडा खेलते तो शायद मैच जो है वो थोड़ा सा फेवर में आ सकता है पंजाब किंग्स के। इसके बाद आप देखिए सूर्य कुमार यादव, एक बार इनका सैम कुरन ने विकेट लिया, रबाडा ने अगर 3 बार विकेट लिया है सूर्य कुमार यादव का, किसने, रबाडा ने, तो रबाडा खेलेगा तो सूर्या को भी दिक्कत करेगा, 3 बार विकेट लिया, हालांकि सूर्या को, सूर्या ने अच्छा खेला रबाडा को बट 3 बार विकेट भी दी हुई है। फिर आप यहां पे देखिए नीचे, एक बार विकेट सैम कुरन ने भी टिम डेविड का लिया हुआ है। आगे देखिए शिखर धवन का, 2 बार विकेट पीयूष चावला ने लिया बट पीयूष चावला की बहुत पिटाई करी है शिखर धवन ने। इवन रायले मेडिथ की 17 गेंदों पे 32 रन बनाए शिखर धवन ने, पहले पास्ट में कोई विकेट भी नहीं दिया। बेरेंडॉफ की 32 गेंदों पे 44 रन धवन ने बनाए, 2 बार विकेट बेरेंडॉफ ने इनकी निकाली है। फिर आप नीचे आएंगे तो लिविंगस्टन का 1 बार विकेट मेरेडिथ ने निकाला है, सैम कुरन का कोई विकेट नहीं है, मतलब ना मेरेडिथ को खेले ज्यादा ना चावला को खेले सैम कुरन। बस यही होगी बात बैटल की। अब जल्दी से बात करते हैं टीम की, टीम कहाँ बनानी है आपको, विजन 11 एप्लीकेशन पे, जल्दी वो बग खत्म हो जाएगा जो लॉगिन का इशू आ रहा है, तो आप फटाफट वहाँ पे अकाउंट बना के तो रेडी रखो, रेफर कोड एफएक्स लगाओगे तो 500 रुपये का आपको बोनस भी मिल जाएगा, और गिवअवेज वगैरह तो आपको पता ही है 50,000 के रोज गिवअवे चल रहे हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर पाएंगे, बस रेफर कोड एफएक्स लगा के साइन अप करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, YouTube सेक्शन के डिस्क्रिप्शन नीचे होता है, Facebook पे ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है। अब बात करते हैं विजन 11 टीम की क्या बनानी है, तो सबसे पहले तो विकेट कीपिंग सेक्शन में ईशान किशन को ले लो, भले ही इनका हेड टू हेड खराब है जिसकी वजह से हम इनको शायद कप्तान वाइस कप्तान ना कर पाए, बट ये वेन्यू पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पिछले 4 मैचेस में आपने देखा मिनिमम 31 का स्कोर बनाया ईशान ने और मैक्सिमम 50 प्लस बनाया हुआ, तो ईशान एक बहुत अच्छे ऑप्शन है पिक भी करने की, इवन कप्तानी वाइस कप्तानी की, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के सामने रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है। रोहित शर्मा को भी हम टीम में पिक करेंगे, हालांकि मोस्ट ऑफ द स्कोर्स इनके हमने जो देखे हैं वो 20 के आसपास ही देखे मोस्ट ऑफ द मैचेस में। फिर सूर्य कुमार यादव है, इनको भी आप टीम में जरूर पिक करिएगा, मैच विनर है। तिलक वर्मा तो आपको लेने ही है, थोड़ा सा डाउन बैटिंग करने कभी कभी आते हैं बट फॉर्म आप देखें तो ईशान किशन और तिलक वर्मा की इस टीम के लिए सबसे अच्छी फॉर्म चल रही है। बैटिंग में जो सबसे अच्छा कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए, एक ईशान किशन कर रहे हैं, एक तिलक वर्मा कर रहे हैं लगातार। फिर पंजाब की तरफ से अगर हमें कुछ प्लेयर्स लेने हैं तो एक तो सैम कुरन हो जाएंगे हमारी टीम में, जो 4 ओवर पूरे डालते हैं, डेथ ओवर में आते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, वाइस कप्तान भी इवन इनको करूंगा। लिविंगस्टन को भी मैं टीम में जगह दूंगा, मैच विनर प्लेयर है, छोड़ नहीं सकते, पिछले मैच में खराब परफॉर्मेंस थी बट T20 का सबसे अच्छा प्लेयर माना जाता है वर्ल्ड क्रिकेट में, मतलब ऑलराउंडर अगर आप देखें 6 हिटिंग का किंग है। फिर आप अर्शदीप सिंह और नेथन एलिस को भी टीम में ले सकते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं दोनों, और फिर यहां से मैंने कैमरून गेन को कैप्टन कर दिया टीम में लेके, पीयूष चावला बेरेंडॉफ को भी ले लिया है। अब बस मुझे रायले मेडिथ को अगर टीम में लेना है, अगर फर्स्ट बॉलिंग होती है तो शायद टीम उनको रखेगी प्लेइंग 11 में, तो मैं यहां से कुछ एक आध बदलाव करके उनको टीम में लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखते हैं क्या बदलाव कर सकते हैं हम टीम में, अभी तो फिलहाल आप इस टीम से कॉन्टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। कप्तानी वाइस कप्तानी के जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल थे वो मेरे हिसाब से कैमरून ग्रीन और सैम कुरन है, इसके अलावा किसी को ट्राई करना हो तो एक आपका ईशान किशन बहुत अच्छे ऑप्शन है कप्तानी वाइस कप्तानी के। बाकी
बाकी तो मैं ज्यादा किसी भरोसा करता नहीं हूँ। तो ये मेरी अभी फिलहाल रहने वाली है, इसमें कोई भी अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, यूजर नेम ये रहा। तो भाई फटाफट जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और फाइनल टीम के अपडेट्स के लिए वेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।